हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृति कला में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मास्क बनाने का तरीका। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मास्क बनाने के लिए जो जो मटेरियल लिया हुआ है सबसे पहले उसकी जानकारी दूंगा। यहाँ पे एक हमने लास्टिक लेनी होती है, बारीक लास्टिक, ये 3 से 4 रुपये मीटर मार्केट में मिल जाती है आसानी से। एक हमने मास्क बनाने के लिए फैब्रिक लिया हुआ है, इसको हमने डबल किया हुआ है इस तरीके से। डबल करने के बाद जो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे एक साइड से आएगी ये 9.5 इंच और इस साइड से आएगी ये 9 इंच, तो 9 बाई 9.5 का डबल हमने कपड़ा ऐसे ले लेना है। और एक हमने यहाँ पे साइड में लगाने के लिए पट्टी ली हुई है जो कि हमें साइड में लगानी है, इसी में हमें लास्टिक अटैच करनी होती है। और एक हमने यहाँ पे नेट ली हुई है, नेट जरूरी होती है। अगर मास्क में अंदर की साइड नेट लगा दे बारीक अच्छी क्वालिटी की तो ये ज्यादा बेनिफिट होता है इसका। इसका हम एक ही हिस्सा यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से, इसको कटिंग कर लेते हैं ऐसे। अगर आप इसको डबल लगाना चाहें तो इसको भी आप डबल लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर सिंगल भी लगाएं तो फिर भी तब भी ये ठीक रहता है। इसको हम यहाँ पे ऐसे बीच में फिक्स कर लेते हैं। अब हमें मशीन के ऊपर चलना है और सीखना है इसको बनाने का तरीका। स्टिचिंग करते टाइम सबसे पहले हमें जानकारी लेनी है फैब्रिक की, फैब्रिक कौन सा लिया हुआ है, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया है। आपने जो भी फैब्रिक लेना है अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे यूज करना होता है। जो मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है ये कॉटन का है 2x2 का, इसको 2x2 का फैब्रिक बोलते हैं। अगर आपने कोई भी फैब्रिक लेना है तो अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे लेना होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमने बीच सेंटर में यहाँ पे नेट रखी हुई है इस तरीके से, इसको हम अटैच कर लेते हैं चारों साइड से। ये हमने सिलाई से अटैच कर ली है ताकि ये इकट्ठी ना हो। अब हमें इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड लगाना है ऐसे, इस तरीके से। दोस्तों, जब हमारी नेट यहाँ पे अटैच हो जाती है तो हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड लगाते हैं। फोल्ड लगाने के बाद हम इस साइड, जो हमारी ये ओपन साइड है, इसमें हम 1/2 इंच चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको बीच से ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको अच्छे से सेट करेंगे जो हमने सिलाई लगाई है। अब हमें यहाँ पे किनारी की सिलाई लगानी है। बीच सेंटर में हमारी नेट आ जाती है और दोनों साइड हमारा ये कपड़ा आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से प्लेट डालनी है ऐसे, यहाँ पे 3 प्लेट डालनी होगी। या तो आप एक काम करें, इस तरीके से सबसे पहले सेंटर बना लें अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो। इस तरीके से सेंटर बनाई, सेंटर से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें प्लेट कैसे डालनी है। एक प्लेट यहां जाती है, दूसरी इसके साथ में और तीसरी इसके साथ में।
एक साइड में जैसे हमने यहाँ पे ये प्लेट डाली है, अब हम दूसरी साइड में सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये प्लेट ऐसे डालेंगे। बिल्कुल बराबर रखते हुए डालेंगे और यहाँ पे ध्यान रखेंगे जितनी चौड़ाई हमारी इस साइड में है, जैसे 3.5 इंच है तो इस साइड में भी हम 3.5 इंच रखते हुए सिलाई लगाएंगे। और जो इसकी लंबाई होनी चाहिए इस तरीके से, लेंथ की बात करें तो यहाँ पे 8 इंच तक रखनी होती है। जो एक्स्ट्रा होगा कटिंग करेंगे कपड़े को। अब हमें यहाँ पे सेव देखनी है, जो हमारी सेव आनी चाहिए इस तरीके की आनी चाहिए ऐसे। जब ये हम ऐसे पहनेंगे तो ये बीच से ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। साइडों में अब हमें इलास्टिक लगानी है और पट्टी लगानी है। तो साइडों के लिए दोस्तों ये बारीक हमने इलास्टिक ली हुई है यहाँ पे और ये पट्टी ली हुई है। तो इसमें क्या करेंगे, हम नीचे की साइड ऐसे रखेंगे सबसे पहले और यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। अब हम इस पट्टी को ऐसे लेकर के आएंगे और यहाँ पे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और यहीं पे हमें इलास्टिक भी अटैच करनी होती है। सबसे पहले हम इलास्टिक का साइज जान लेते हैं, हमें कितना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा खुद ही, तो इतनी इलास्टिक हमें काफी है। तो यहाँ से कट कर लेते हैं, इसी साइज के हम 2 पीस ले लेंगे क्योंकि ये काफी बढ़ जाती है इलास्टिक। अब हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसी के बीच में यहाँ पे इलास्टिक हमें दबानी होती है ऐसे। अब हम इस सिलाई को इस साइड में लेकर के आएंगे, इस साइड भी हमें सेम इसी तरीके से फोल्ड लगाना है। और ये इलास्टिक हम घुमा के इस तरीके से इस साइड में दबाएंगे ऐसे। थोड़ा नजदीक से देखेंगे ध्यान से, तो यहां पे हमने एक साइड में इलास्टिक ये अटैच कर ली है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी पट्टी और इलास्टिक यहां पे अटैच करते हैं। इस तरीके से दोस्तों दोनों साइड हमने इलास्टिक अटैच कर लिए है। अगर आपको इसको बड़ी छोटी करनी हो तो इस तरीके से यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अगर आपको छोटा करना है तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे एक गांठ लगा लें। गांठ लगाने से क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा जो भी साइज आपको चाहिए होता है। और इसकी सेव की बात करें तो जब ये पहना जाएगा तो प्रॉपर इस सेव में यहाँ पे अपने आप ही ऐसे आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इसकी प्रॉपर शेप आ जाएगी। और इसी तरीके से आप घर में मास्क बना सकते हो, कोई भी अगर कॉटन का अच्छी क्वालिटी का आपके पास फैब्रिक है तो आसानी से मास्क हम बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।